मेरा एक स्टॉक पिक था, लेकिन वो थोड़ा सा बैलेंस शीट बेस्ड था. सो मेरा था यस मेथेन अलॉयज, MAITHAN. सो बेसिकली कंपनी का पास बैलेंस शीट पे 31 मार्च की क्लोजिंग पे 1800 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट पड़ा है. ये सब लिस्टेड कंपनीज का है, ठीक है. ये तो हो गया लिस्टेड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इनका, इनके पास बैलेंस शीट पे. अब इनके अदर एसेट्स में 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इन्होंने एक एडवांस दिया हुआ है. सो एडवांस अकाउंट किया गया है, इसका डिटेल्स इन्होंने दिया है फुटनोट्स में. सो यहाँ पे अगर आप फुटनोट्स में जाके चेक करते हो 400 करोड़ का एडवांस किसके लिए है, सो वो दिखता है NSE के शेयर्स के लिए इन्होंने एडवांस दिया है, ठीक है. तो उन्होंने वहां पे प्राइस मेंशन किया है कि इनको अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास शेयर्स मिले हुए हैं, वो NSE के शेयर्स. वो अलॉट हुए इनको अप्रैल वाले मंथ में, तो इसीलिए वो अकाउंट नहीं किए गए हैं. सो करंट अगर प्राइस जो अपन देखें, अगर अनलिस्टेड का जो चल रहा है मार्केट में, दैट इज अराउंड 6000. तो इनका वो 400 करोड़ इज अराउंड 800 करोड़. सो आपको 1800 करोड़ जो उस समय का वैल्यू था, उसके बाद तो मैं अकाउंट भी नहीं कर रहा 6 मंथ्स में इनका क्या प्राइस बढ़ा होगा अनलिस्टेड स्टॉक्स का, मैं वो अकाउंट ही नहीं कर रहा. 1800 वो पकड़ो और 800 करोड़ वो पकड़ो, तो 2600 करोड़ तो आपका वो वैल्यूएशन बैठ जाता है. और करंट मार्केट कैप जो चल रहा है वो 3400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, ठीक है. तो अगर आप वो अकाउंट करो, आपको करंट बिजनेस जो इनका है एलॉयज का, वो तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है. तो ये सब तो इनका रिडीमेबल है, क्योंकि वो सब इन्होंने पोजीशन साइज ही ऐसी बनाई हुई है कि ये सब रिडीम कर सके 1800 करोड़. तो मल्टीपल कंपनीज में, सो ये स्टॉक भी एक अपीलिंग है. सब अपने हिसाब से रिसर्च करें, नॉट अ बाय या सेल रिकमेंडेशन. सब अपनी रिसर्च करें इसके ऊपर क्या है क्या नहीं, अपना अपना रिसर्च करें. इंटरेस्टिंग आइडिया जरूर है करंट मार्केट पे, करंट मार्केट को देखते हुए. दैट्स अ सिंपल Agreed, agreed, कमेंट. agreed. I think a lot of other companies also in the same profile. Let me tell you, one is Elpro International. They also do a lot of trading. You can say trading भी करते हैं and investing भी. So they also invest in a lot of Indian listed companies. So उनका भी आप देखोगे तो profile you know it's similar कि वहाँ पर भी balance sheet में there is a lot of investments available and they also invest in the unlisted companies on sort of that. So Elpro International one is International Conveyor. But I generally don't like until and unless there is a huge value available because you know अगर आप एक listed company हो and you are started putting money into the markets. I think you are, you know, you can separate it out or you can distribute the money to the public rather than investing in the other companies, because you know your core thing should be the business rather than investment in the listed company until and unless there is a huge value available, like you are saying ki, you know, there is a huge amount of NSE shares and huge amount of listed companies available in the Methan Alloys. So these are, I think, my takes. A similar idea if you are looking at this kind of batch is also SAT Industries. So its subsidiary recently got listed, Aeroflex. is Aeroflex. So इनके पास स्टार्टअप वार्टअप से बहुत इन्वेस्टमेंट है. तो अगर सिर्फ बैलेंस शीट प्ले करना है तो इसमें बहुत वैल्यू है सेट उसके इंडस्ट्रीज पास. ना. उनकी सेकेंड एक कंपनी भी लिस्ट होने वाली है उनके, इन्होंने पीपीटी में मेंशन किया था सैट इंडस्ट्रीज भी. और सैट इन्होंने अभी इंडस्ट्रीज एज ए मार्केट एरोफ्लेक्स के कैप. आईपीओ से जो कैश आया था 300-400 करोड़, वो भी अभी कहीं पे तो इन्वेस्ट किया है इन्हें रिसेंटली, कोई कंपनी एक्वायर की है. ये मतलब बुल मार्केट में आइडियाज ना हो तो भाई ये एक सेफ बेट्स लेने के लिए आइडिया अच्छा है वैसे. आई थिंक सो सेट इंडस्ट्रीज का और कोई बिजनेस है या दे नहीं आर खाली मोर इन इन्वेस्टिंग का ही है. टूल्स. नहीं सबसे इंडिविजुअल लेवल पे भी उनके पास बिजनेस है. ओके सो सो उनका सिर्फ एरोफ्लेक्स होल्डिंग में है. कंपनी नहीं है, स्टैंड अलोन बिजनेस भी है. स्टैंड अलोन बिजनेस में दे रिसेंटली एक्वायर 200 करोड़ शायद कोई कंपनी पे एक्वायर की है, क्योंकि इनको एरोफ्लेक्स के आईपीओ से अच्छा 250-300 करोड़ रुपया आया था. तो वो ओके बिजनेस भी अब स्टैंड अलोन बिजनेस पे आएगा. और देन सब्सिडरीज तो है ही इसके पास. आई थिंक दिस विल नहीं दिस इज एक्वायर्ड इनऑर्गेनिक. बाय एरोफ्लेक्स. ये एरोफ्लेक्स ने एक्वायर किया है. ओके इन्होंने अभी Q1 के रिजल्ट के बाद किया एक्वायर. इनका स्टैंड अलोन में ओके तो एक पॉलीमर का बिजनेस है और एक और कुछ है. ओके सो दे आर लाइक मोर ऑन द लाइक वो आप बोलते हैं ना नौकरी डॉट कॉम टाइप्स हाँ बोल जो. सकते हो. स्टार्टअप वार्टअप में बहुत इन्वेस्टमेंट्स है इनके. बियर्डो वगैरह में इन्वेस्टमेंट था तो उसमें भी थ्री अच्छा बुक है इनके पास.
ओके एंड देर आर की कंपनीज विच दे हैव इन्वेस्टेड इज लाइक दिस इंक 42 से लेके इंडिया कोशेंट देर आर लॉट ऑफ कंपनीज अवेलेबल या हाँ, दे इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब करते रहते हैं। ओके एंड सैट इंडस्ट्रीज इज अवेलेबल एट यू एट 1419 1400 अगर आप मार्केट एरोफ्लेक्स का सर्विस मार्केट कैप देखोगे, आई थिंक एरोफ्लेक्स में इनका 60-70% का होल्डिंग है कुछ तो भी। एरोफ्लेक्स का मार्केट कैप इज मच लार्जर। एरोफ्लेक्स इज 2300 करोड़ सो 2300 करोड़ में अगर आप 50% भी देते हो आई थिंक उनका इन्वेस्टर्स 66 का, हाँ मतलब 66% है सो 66% 61% है तो 60% ऑफ योर 2400 करोड़ इज लाइक 1200 प्लस 1400, 1400 करोड़ 1400 करोड़ का अपन 50% डिस्काउंट भी दें तो भी 700-800 करोड़ तो आपको एरोफ्लेक्स की वैल्यू है सेट इंडस्ट्रीज में एंड विच इज अवेलेबल एट 1400 करोड़ और ये सो स्टॉक शायद ह्यूज अभी वैल्यू रिसेंटली चला है, क्योंकि ये लास्ट आई रिमेम्बर 1-2 महीने पहले मैं जब देखा था 1000 करोड़ का ही मार्केट था, पर 900 करोड़ कुछ तो भी था तब। इनके पास सो 200-300 करोड़ का कैश भी था सब इंडिविजुअल एंटिटी। ओके तो ये कभी भी नीचे गिरे तो यू वन वन कैन लुक इनटू दिस कंपनी बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको एरोफ्लेक्स तो मिल ही रहा है साथ ही साथ आपको देयर आर टू मच ऑप्शनलिटी अवेलेबल आल्सो ग्रेट ग्रेट एनी न्यू पॉइंट